सर निगम द्वारा होम डिलीवरी की जा रही है किराना सामान की, किस तरह की व्यवस्था की गई है और अभी तक कितने पैकेज थे? देखिए, तीन दिन पहले हम लोगों ने राशन की होम डिलीवरी पेड बेसिस पर ये सुविधा शुरू की है और इसके लिए जो हमारी कचरा गाड़ी है, क्योंकि हमारी 467 कचरा गाड़ियां पूरे शहर भर के एक एक गली को एक एक दरवाजे को कवर करती हैं, तो उसके साथ हम लोगों ने एक व्यक्ति लगाया है जो कचरा गाड़ी के साथ रहता है और जिस किसी को भी अति आवश्यक सामग्रियां हैं जो हमने 13 छाटी हुई हैं उनमें से कुछ अगर ऑर्डर करना होता है तो ऑर्डर दे देता है। उसमें हमने फॉर्मेट में सभी सामग्रियों का नाम और उनका वेट भी लिखवाया हुआ है, तो आदमी को केवल टिक करना पड़ता है, 10 सेकंड में ही काम हो जाता है जो उसका ऑर्डर देने वाला। उसके बाद हम लोगों ने लगभग 400 के आसपास दुकानें आइडेंटिफाई करी हैं पूरे शहर भर में, जो प्रत्येक रूट के लिए अलग अलग दुकानें आइडेंटिफाइड करके रखी हैं। वो पूरी की पूरी जो ऑर्डर पर्चियां हैं वो भरकर किराना दुकान वाले के पास में आ जाती हैं और उसके द्वारा पैकेट बनाकर सभी घरों में घर पर जाकर होम डिलीवरी करी जाती है राशन की, और जो भी पैसा होता है संबंधित किराने वाले के द्वारा जनता से लिया जाता है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत हम लोग जो कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं, उस लॉकडाउन में लोगों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े और जो अत्यावश्यक राशन है उसकी आपूर्ति होती रहे। इसके लिए तीन दिन में ही हम लोगों ने लगभग 61,000 के आसपास ऑर्डर प्राप्त किए थे। कुछ अपील करना चाहेंगे सर? जी हाँ, निश्चित रूप से जो इंदौर के जितने भी दानदाता हैं, मैं सबसे पहले तो उनका एक बार धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि अभी तक जो हमारी पूरी व्यवस्था है फ्री में, चाहे राशन देने की हो चाहे फूड पैकेट देने की हो, उसमें एक भी रुपया नगर निगम का या रेडक्रॉस का हमने नहीं लगाया है। पूरा दानदाताओं के द्वारा या जो एसोसिएशंस बनी है उनके द्वारा हमको सामग्री उपलब्ध कराई गई है फ्री में, या दानदाताओं के द्वारा उसका पैसा दिया गया है। आगे भी ये व्यवस्था, जब तक कि हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, इंदौर पूरा कोरोना से लड़कर जीतने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं, उस तक के लिए अगर कोई भी दानदाता हमें सामग्री के रूप में सहयोग करना चाहता है तो उसका भी स्वागत है। इसके अलावा अगर पैसे की भी सहायता करना चाहता है तो जहां से हम सामग्री ले रहे हैं सीधा उसको पेमेंट करके उसके जरिए हमारी मदद कर सकता है, और कोई भी दानदाता इस संबंध में मुझसे संपर्क कर सकता है। मुझे लगता है कि ऐसी संकट की घड़ी में इंदौर पहले से ही दानदाताओं के लिए जाना जाता रहा है, अधिक से अधिक संख्या में आगे आए और इस जो हमारी सुविधा चल रही है इसके लिए जितना भी मैक्सिमम दान संभव हो उतना प्रदान करें। फूड पैकेट की सप्लाई और राशन की सप्लाई जो फ्री वाली चल रही है उसमें सर काफी कुछ अपन बांट रहे हैं, फिर भी सर काफी शिकायतें आ रही कई बस्तियों से कि अभी भी सर फूड पैकेट नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, अगर जो बेसहारा गरीब लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिनके पास में कुछ कुकिंग की सुविधा नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने दो व्यवस्थाएं करी हुई हैं। एक तो लगभग स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से लगभग 40,000 फूड पैकेट हम लोग डेली तैयार करवा रहे हैं जो नगर निगम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, जो बहुत ही नीडी लोग हैं उन तक हम लोग ये पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा जिनके पास कुकिंग की सुविधा है ऐसे गरीब लोगों को हम लोग अभी तक लगभग 50,000 राशन के पैकेट्स, जिसमें आटा भी है, तेल भी है, दाल भी है, चावल भी है, नमक और शक्कर और मसाले भी हैं, हम लोग बांटने का काम कर चुके हैं। ये पूरी तरीके से आगे जारी भी रहेगा। इसमें मैं ये भी बता दूं कि हमारा जो कॉल सेंटर है, एक नगर निगम के द्वारा जो एक हेल्पलाइन बनाई गई थी उस पर लगभग डेली हमको 4,000 से अधिक कॉल्स रिसीव हो रही हैं। हमने 30 पैरेलल लाइंस लगाई हुई हैं, डेढ़ दो मिनट का वेटिंग टाइम जरूर है लेकिन 30 पैरेलल लाइन लगातार काम कर रही हैं। उसके माध्यम से डेली हम लोग 2,500-3,000 के आसपास राशन के पैकेट भेज रहे हैं और वो बहुत नीडी लोग हैं जो नगर निगम की टीम के द्वारा किसी बस्ती में दो लोगों के यहाँ, कहीं तीन लोगों के यहाँ, किसी हॉस्टल में पांच लोगों के यहाँ राशन के पैकेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब हमारी जो घर घर पहुंचकर राशन बेचने वाली सुविधा है, मुझे लगता है उससे थोड़ा लोड भी हमारा कम होगा, लेकिन फिर भी जो भी गरीब लोग और जरूरतमंद लोग बचे रहेंगे उनको हमारी ये फ्री वाली सुविधा लगातार जाएगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।